हे बडीज, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। सो बडीज, सैमसंग की तरफ से न्यू स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले। जिया गाइस, आपको देखने के लिए मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A34 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ A54 भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों आपको सेम इवेंट पे देखने के लिए मिल जाएगा और डिपेंड करता है दोनों की प्राइसिंग क्या होगी, उस हिसाब से आप दोनों में से एक स्मार्टफोन परचेस कर लेना। सो बडीज, इसके डिजाइन बिल्ड मटेरियल की बात कर लेते हैं। A34 स्मार्टफोन के डिजाइन बिल्ड मटेरियल की बात कर लेते हैं। डिजाइन बिल्ड मटेरियल आपको नॉर्मल देखने के लिए मिल जाएगा, प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। बैक में आपको टॉप राइट में तिरपा कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। तीन चार कलर वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। डिजाइन बिल्ड मटेरियल नॉर्मली होने वाला है। मेन इसके डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6.5 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमुलेट प्लस वाला पैनल देखने के लिए मिल जाएगा पंच होल डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले में आपको सारे बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 800 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। गेमिंग की बात की तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट या 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में से आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा। जी गाइस, क्योंकि रिफ्रेश रेट से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं निकल गया है, लेकिन दोनों में से आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसके परफॉर्मेंस में आपको एक्जिनोस 1280 वाला चिपसेट मिल सकता है या मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला चिपसेट देखने के लिए मिल सकता है। दोनों में से आपको एक चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। चिपसेट से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ एक्जिनोस का चिपसेट कन्फर्म मिल सकता है। सो बडीज, इसके बैक में टॉप लेट में तिरपा कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने वाला है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिल सकता है। बैक में आपको OISES का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा सेटअप आपको ऑसम देखने के लिए मिल जाएगा 25,000 की रेंज में। सो इसमें बैटरी में 5000mAh की बड़ी बैटरी, 25W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करेगा। USB टाइप सी देखने के लिए मिल जाएगा। डबल स्टोरेज स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। अदर सेंसर्स में आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी कंपास, जीरो NFC सारे सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आने वाला है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको सैमसंग के काफी तगड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। अपडेट भी आपको काफी अच्छे से देखने के लिए मिलता है। सो इसके प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। 6128, 8128 कंफर्म वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,000 रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ A54 भी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और उसकी प्राइसिंग आपको 26,000 से 27,000 के रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। सो बडीज, ये दोनों स्मार्टफोन साथ में लॉन्च हुए तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप A54 5G स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। A34 को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन प्राइस वैल्यू डिपेंड करता है। 1-2 हजार ज्यादा रहेगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा A54 आप परचेस करना। सो बडीज, इस वीडियो में इतने रखते हैं और ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में इंडिया में सबसे पहले आपको जानना पसंद है तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना।